गजराज जी मेघवाल मंत्री महोदय को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती बीओ साहिबा। परम सम्माननीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय जी, एसडीएम साहिबा, तहसीलदार जी, ईओ साहब, सीओ साहब, नायब साहब, सांगलिया महाराज, कुंदन जी भाई साहब और मंच पर विराजे सम्मानित गण और आज के महामानव भारत रत्न बोधिसत्व बाबा भीमराव अंबेडकर के श्री चरणों में वंदन करते हुए इस धरा पर विराजमान मेरे दलित बंधुओं एवं अन्य संभ्रांत लोग जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को अंगीकार कर अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मेरी माताएं बहनें सभी का अभिनंदन करते हुए आज का यह कार्यक्रम 127वीं जयंती पर जो राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया तोहफा और माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से ये हमारा जो अंबेडकर भवन यहाँ बनने जा रहा है, इस धरा की जागृति पर या यूं कहे इस धरा को भी सत सत नमन और माननीय मंत्री महोदय जी को भी समाज की ओर से सत सत नमन कि वो एक ऐसा अच्छा स्थान चेयरमैन साहब के माध्यम से, और चेयरमैन साहब को तो मैंने आते ही साधुवाद दे दिया था कि आपने जो जगह चुनी है वो इतनी शानदार जगह चुनी है जिसके लिए तुरंत ही भवन बनते ही सभी लोगों के लिए समाज को कार्यक्रम करने या अन्य उपयोग में लेने के लिए तुरंत ही एक अच्छा भवन मिल जाएगा। आज एक चिंतन का दिन भी है क्योंकि एक साल में ये जो जन्म उत्सव मनाया जाता है, बंधुओं जन्म उत्सव उसका ही मनाया जाता है जिसका कृतित्व उसके व्यक्तित्व से भी ऊंचा हो जाता है और जो दूसरे के लिए चिंतन करता है एक महामानव होता है, युग प्रधान युग पुरुष, ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा अपने लिए नहीं परायों के लिए जीवन जीता है, उन परायों को अपना कर लेता है, उसी का जन्म शताब्दी मनाई जाती है, उसी का जन्म दिवस मनाया जाता है और वही हमारी स्मृतियों में रहता है। कहते हैं अंधकार ही रहता जहालत का, अगर ये मशाल जलाई ना होती, बाबा साहब ना आते इस जहां में तो हमने ये मुकाम ये मंजिल पाई ना होती, आज ना मैं यहां से बोल रही होती और ना ही विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए मेरा दलित समाज मेरी महिला बहनें यहां पर एकत्रित हुई होती, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता, कुछ करने की चिंतन और आगे बढ़ने का काम, ये सब कुछ समय के रहते हुए हमारे समाज में बंटवारा हो गया और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज के जो बांधव भ्रातृत्व और बंधु रहे वो अलग अलग वर्ग में बट गए, अलग अलग जाति में बट गए और इस शिक्षा के अभाव में जिन लोगों के पास शिक्षा नहीं होती वो अपने हिसाब से चिंतन करते हैं और वह चिंतन आगे चलकर नकारात्मक सोच को विकसित करता है, सकारात्मक सोच को विकसित नहीं करता। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो लोग शिक्षित हैं वो लोग कभी भी ईर्ष्या भाव नहीं करते, शिक्षा सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से नहीं, शिक्षा उस ज्ञान से है कि समाज में व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन जिए और कैसे समाज और परिवार को विकास के रास्ते पर ले जाए, शिक्षा उसको कहते हैं। तो व्यक्ति को शिक्षित होना है, कहते हैं हमारे ब्रह्मांड में या यूं कहें हमारे वेदों में एक मूल मंत्र दिया हुआ है ओम, सिर्फ छोटा सा अक्षर बीज है ओम, यदि ओम का हम उच्चारण करते हैं तो शारीरिक मानसिक वैज्ञानिक तरीके से उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से बाबा साहब ने हमें एक छोटा सा मूल मंत्र दे दिया, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। यह मूल मंत्र यदि हम लेकर चलते हैं और शिक्षा को आगे तक आगे बढ़ाकर यदि हम ये बात चिंतन करते हैं तो अपने आप ही
शिक्षा को महत्व देते हुए हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं। कोई भी शिक्षित व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि वो रात को भूखा सोता हो, कोई भी शिक्षित मुझे नहीं लगता कि वो थाने और कचहरियों के चक्कर काटता हो और विभिन्न परेशानियों का सामना करता हो। दूसरा मंत्र हमें बाबा साहब ने संघर्ष का दिया, संघर्ष हमें किससे करना है, हम लोग लग गए संघर्ष करने अपने ही भाई बंधुओं से, अपने ही समाज के अन्य वर्ग से, जबकि संघर्ष उन परिस्थितियों से करना है। आप सोचो, चिंतन करो कि वह व्यक्ति जिसको अभी बताया गया, जैसे घरे के हाथ नहीं लगाने दिया जाता था, पूरे दिन पानी के लिए वो प्यासा बच्चा अपने विद्या अर्जन करता था, उसने विश्व में उस समय में जब पढ़ाई का कोई महत्व इतना नहीं था हमारे समाज में, 32 डिग्रियां हासिल की और विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालय में जाकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, क्या परिस्थितियां रही होंगी। तो ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हुए हमें किस तरीके से विकास करना चाहिए, संघर्ष इस बात के लिए कहता है। यही नहीं, उन्होंने अपने आप को कोलंबिया विश्वविद्यालय का दी बेस्ट स्टूडेंट अपने आप को घोषित होने के लिए मजबूर कर दिया यूनिवर्सिटी को कि वो दी बेस्ट का उनको अवार्ड दे। यही नहीं, अमेरिका में भी जब सर्वे की बात आई तो एक महान भारतीय के लिए बहुत सारे हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, स्वतंत्र व्यक्तित्व के धनी रहे, बहुत सारे महान विचार नेता रहे, उन लोगों को उस लिस्ट में शामिल किया गया। आउटलुक पत्रिका थी, रिलायंस नाम की जो अभी कंपनी चल रही है वो उसने प्रत्यायोजित किया था, उसकी तरफ से करवाया गया था। तो हमारे बाबा साहब को 2 करोड़ से अधिक मत उनको मिले, कितनी बड़ी बात है कि इतने ज्ञानी व्यक्ति, मतलब उन परिस्थितियों में जिन परिस्थितियों में कहीं शिक्षा नहीं थी, उन्होंने अपने आप को सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित कर दिया, उन्होंने क्या इस विश्व ने घोषित कर दिया। तो हमें ये चिंतन करना है कि विषम परिस्थितियों में हम किस तरीके से शिक्षित बने, किस तरीके से हम समाज को आगे ले जाएं। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों को वो वेदना अपने अंदर ग्रहण करनी होगी, वो संवेदन अपने आप में चिंतन करना होगा कि हमें हमारा समाज किस तरीके से आगे ले जाना है। ये नहीं कि पीछे अतीत में हमारे साथ में उस जाति ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये सब कुछ अतीत को छोड़ दो, भविष्य की चिंता करो, चिंता नहीं चिंतन करो कि हमें भविष्य में कहाँ तक जाना है। क्योंकि जब हम लक्ष्य बना लेंगे किसी चीज का तो हमारे यही बंधु जो बिना मतलब कहते हैं कि जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सहयोग करने के लिए कोई भी आ जाएगा। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर यदि वहाँ के हमारे जो ये साहू जी महाराज थे वो नहीं होते तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कभी भी अमेरिका नहीं जा पाते और वहाँ से अध्ययन करके लौटकर हमें इतनी बड़ी सौगाते या इतना बड़ा संविधान लिखकर नहीं दे पाते। तो सवर्ण लोग भी हमारा सहयोग करेंगे यदि हम उनसे सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। ये समाज के अंदर जाति पाति भेदभाव का जो जहर है, इस जहर को मिटाने का प्रयास करते हुए अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है। बाबा साहब ने कहा था कि ये चिंतन करो, हम सबसे पहले भारतीय हैं, जन्म लेते हैं हम भारतीय हैं, अंतिम क्षण तक हम भारतीय हैं। ये चिंतन नहीं होना चाहिए कि हम इस समाज में पैदा हुए हैं। तो इस तरीके से बाबा साहब के जो विचार है, एक एक विचार उनका जो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा गया है, हमारा इतिहास बहुत मजबूत है और जिसका इतिहास मजबूत होता है उसका भविष्य भी बहुत मजबूत होता है। तो इस तरीके की भावनाएं हमें उत्पन्न करनी होंगी और ऐसी भावनाएं के लिए हमारे जनप्रतिनिधि जो माननीय रिनवा जी हैं, आप देखो उनको मंत्री जी तो बहुत कम लोग कहते हैं, ज्यादातर भाई जी कहते हैं। भाई जी में कितना प्रेम है, कितना अपनत्व है, क्यों? क्योंकि वो भाई जी जैसा ही व्यवहार करते हैं, सबके लिए सुनते हैं, सबकी बात का चिंतन करते हैं। और जब भी अब ये देखो तुरंत वहाँ पे सरकार में जरा सा इनको पता लगा कि अम्बेडकर भवन बनने वाली बात है, तुरंत पहुंच गए कि मेरे ये 3 जगह है वहाँ पे अम्बेडकर भवन बनना चाहिए। और बहुत सारी जगह इन्होंने कहीं हॉल बनवा दिए, कहीं कुछ करवा दिया। जो भी बंधु आता है इनके पास, मुझे नहीं लगता कोई निराश होके जाए। तो सबसे बड़ी चिंतन की बात यही है कि हमें अपनी भावनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना चाहिए। सच ही कहा है किसी ने कि ऐसा स्पंदन, ऐसे शिवरूप कहां मिलते, दलित शोषित लोगों के क्रंदन को हुंकारों में जो बदल सके, यूं करुणा और संवेदन हृदय शिवरूप
भगवान के रूप कहाँ मिलते, बाबा साहब से इस युग में ईश्वर के दूत कहाँ मिलते, परंतु जो हमारे विकास में सहयोग कर रहे हैं वो भी बाबा साहब के ही कदमों पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा हमारा जो मूल मंत्र है, तीसरा संगठित रहना। तो बंधुओं एक बात तो सामने दिखाई देती है कि जो लोग संगठित रहते हैं उनका सम्मान होता है, उनका अपना एक वजूद होता है, क्योंकि वर्तमान समय ऐसा चल रहा है मूलभूत सुविधाएं रोटी कपड़ा और मकान ये तीन चीजें होती हैं, लेकिन ये तीनों चीजें लगभग लगभग सभी लोगों के पास है, इन चीजों से कोई भी कमजोर नहीं है। अब जो व्यवस्था है इस संसार में सब लोग अपना वजूद कायम करना चाहते हैं, अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित रखना चाहते हैं, सम्मानित रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कि हमें संगठित रहना होगा और ये सोचना होगा कि कौन व्यक्ति हमें सही मार्गदर्शन पर ले जा रहा है, कौन व्यक्ति हमें सही दिशा में ले जा रहा है, किसके साथ चलना है और क्या चिंतन करना है। जब तक ये चिंतन हम नहीं कर पाएंगे तब तक बिखरे हुए रहेंगे, और जब तक बिखरे हुए रहेंगे तो फिर हमारी वैल्यू जिसको कहते हैं वो कमजोर रहेगी। आप देखते होंगे संसार में पैसों की भी वैल्यू है, इंडिया के रुपए की वैल्यू अलग है, अमेरिका के डॉलर की वैल्यू अलग है, नेपाल के पैसे की वैल्यू अलग है, दिनार की वैल्यू अलग है, ये सब क्या है, एक वैल्यू प्रतिष्ठा। तो वो प्रतिष्ठा यदि आपको प्राप्त करनी है तो आपको संगठित रहना होगा। और जो ये हमारा युवा वर्ग है इसको तो कम से कम दो तीन बातें गांठ बांध लेनी चाहिए कि एक तो हमें शिक्षित बनना है, दूसरा हमें व्यसन मुक्त रहना है, तीसरा जो भी हम कमाते हैं उसका 20% पैसा हमें अपने भविष्य के लिए बचत में रखना है, और ये चिंतन करना है कि कौन व्यक्ति हमारे सहयोग में साथ खड़ा है, उसके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर चल देना है। वो किसी जाति समुदाय का हो, किसी के प्रति ईर्ष्या निंदा भेदभाव नहीं रखना है। यदि बाबा साहब के हम सच्चे पुजारी हैं, अब देखो बाबा साहब को कितनी परिस्थितियां झेलनी पड़ी थी, पीने को पानी नहीं, तांगे में अगर जा रहे हैं तो उनको बीच तांगे में तांगे वाले ने उतार दिया था, कि जब उनको पता चला, पहले तो सूटेड बूटेड थे, अमेरिका से आए तो तांगे में बिठा के ले गए, और जब बीच रास्ते में गए पता चला ये तो अछूत है तो उतार दिया उसको, उतर जाओ मेरी गाड़ी को धोना पड़ेगा। ऐसे अपमान सहे, एक धर्मशाला में रहे, जब दो दिन तो रहे, जब तक पता नहीं उनके फारसी कोई मित्र थे उन्होंने रखवाया, दो दिन रहे, जब पता चला ये अछूत है तो लठ लेके आ गए उनको मारने के लिए, बाहर निकल अछूत हो गया और यहाँ पे धर्मशाला में कैसे रहने लगा। मतलब ऐसी विषम परिस्थितियों में जिस महामानव ने अपने आप के अंदर ईर्ष्या भाव पैदा नहीं होने दिया, अपने जब उनको अभी अपने को जरा सा कोई मौका मिल जाए ना तो अपन यूँ सोचे उसकी धड़क निकाल दे, अपने साथ उसने अपमान किया था अपन फला आदमी की धड़क निकालेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। और जब संविधान लिखने का, इतना बड़ा कानून लिखने का अवसर उन्हें मिला तो उन्होंने एक ही बात चिंतन की कि मानवतावाद, मनुष्य मनुष्य एक है, स्त्री पुरुष एक है, कोई भी धर्म कोई भी अपनाता है, सभी धर्म को मानने वाले लोग एक है, और सभी लोगों को समान दृष्टि से रखते हुए और सभी को उन्होंने अवसर दिए, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सबके लिए मौलिक अधिकार बराबर बना दिए, और मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा करने के लिए संविधान में धारा 32 रख दी, जो संविधान का हृदय कहलाती है। यदि मौलिक अधिकारों का कहीं हनन होता है, धारा 32 के तहत, कानून के तहत आप अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। कितने महान थे वो, तो उनके विचारों को धारण करते हुए हमारे देश को, हमारे शहर को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। माननीय मंत्री महोदय जी के इतने व्यस्त समय में आप लोगों को, हम लोगों को इतना समय देते हैं, हमारे विकास का चिंतन करते हैं, हमारे लिए हर समय ये चिंता करते हैं इन बंधुओं के लिए क्या किया जाए, तो ऐसे लोगों पर आपको विश्वास रखना चाहिए, और विश्वास के साथ इनके बारे में आपको भी चिंतन करना चाहिए, जो हमारे बारे में सोचे उनके लिए हमें सोचना चाहिए। आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्य से सुना, यहाँ बुलाया, इसलिए चेयरमैन साहब को, यहाँ के लोगों को, सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद।